आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस पर, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पर सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शन हैं जहां से सवाल उठते हैं, तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था, भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ यकीनन। अगर भारत आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से, आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं सुन लीजिए, हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे भाई, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है, आप अलीनगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे, सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए, आप परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में आपको उसमें नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं, आपको क्या लगता है? हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है, उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या? और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं।
नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्माननीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजयनाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरु जी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है, आप भी उसी तरह की बात करते हैं तो इसी आपत्ति। नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। योगी जी, दो सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं, और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं वॉर ने मारा, इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म। मैं चाहता हूं कि आपके दिल मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं, परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हो, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं।